वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स के डिसिप्लिन में। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स का पार्ट है, सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स में अप्लाई करने के लिए होती हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो चार चीज़ों से डील करता है, बट उसके पहले अपन को डिस्कस करना है कि इंटरनेशनल ट्रेड और इंटर रीजनल ट्रेड में क्या डिफरेंस है। सो इंटर रीजनल ट्रेड जो एक होता है वो एक रीजन के लिए पर्टिकुलर होता है। जैसे अगर इंडिया की बात की जाए तो मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में जो भी ट्रेड हो रहा है वो इंटर रीजनल ट्रेड आता है। बट इंटरनेशनल ट्रेड की बात की जाए तो भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड हो रहा है या भारत और रूस के बीच में कोई ट्रेड हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें अपन को ध्यान में रखना चाहिए कि इंटर रीजनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या डिफरेंस है। इंटर रीजनल ट्रेड बहुत ही सिंपल होता है, उसमें कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, बट इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती हैं। रिस्ट्रिक्शन होती है जैसे करेंसी एक्सचेंज रेट पे। जैसे भारत और अमेरिका में अगर कोई ट्रेड हो रहा है तो वो रिस्ट्रिक्शन रहेगी, जैसे कि करेंसी एक्सचेंज में रिस्ट्रिक्शन रहेगी, जैसे कस्टम ड्यूटीज़ में, बॉर्डर्स पे चेक इन होगा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट अलग रहेगा। इंटर रीजनल ट्रेड में कॉस्ट कम होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, क्लियरेंस होता है, क्वालिटी चेक होता है, और बहुत सारे WTA के नॉर्म्स हैं, वो सारी चीज़ें अपने को फॉलो करनी होती हैं। अब बात की जाए कि अगर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स किस चीज चीज़ों से डील करता है, तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं: इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी, देन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड द एडजस्टमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये चार चीज़ों को अपन एक एक से डिस्कस करेंगे। तो पहला है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, तो अपन उसको लिख लेते हैं। सो पहला इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, दूसरा है इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी, तीसरा है द बैलेंस ऑफ पेमेंट, फोर्थ है एडजस्टमेंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। सब चीज़ों को ध्यान से समझें। जब इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी है उसमें कीवर्ड है अपना थ्योरी। अब इस थ्योरी को समझने के लिए मैंने दो भागों में इसको डिवाइड किया है। पहला है बेसिस फॉर ट्रेड एंड दूसरा है गेन्स फ्रॉम ट्रेड। सो जो बेसिस ऑफ ट्रेड है, इट मीन्स जो थ्योरी जिसके ऊपर ट्रेड बेस है, कैसे वो ट्रेड को आगे बढ़ाती है। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो की जो थ्योरी है एब्सोल्यूट एंड कंपेरेटिव एडवांटेज की, वो बेसिस ऑफ ट्रेड है कि उन थ्योरी के बेसिस पे वो ट्रेड होता है। गेन्स फ्रॉम ट्रेड क्या है? जो स्पेशलाइजेशन कंट्री करती है किसी भी प्रोडक्ट में, तो जो स्पेशलाइजेशन से अपन को जो फ़ायदा होता है, जैसे कंज्यूम कर रहे हैं कोई गुड्स, तो उसके कारण जो फ़ायदा हुआ है, उसके कारण जो डॉलर अर्न किए हैं, वो सारी जो थ्योरी है वो गेन्स फ्रॉम ट्रेड में आती हैं। अब इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी, तो यहाँ पर कीवर्ड है पॉलिसी। अब पॉलिसी मैटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे अपन ट्रेड की बात करें, जैसे अभी अपन ने डिस्कस किया था कि इंटर रीजनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में क्या इंपॉर्टेंट है, सो इंटरनेशनल ट्रेड में पॉलिसी मैटर्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। सो पॉलिसी का मतलब है कस्टम यूनियन। सपोज भारत और अमेरिका में कोई ट्रेड हो रहा है और अमेरिका ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि भारत के इतने गुड्स ही जा पाएंगे, उसके बाद नहीं जा पाएंगे, तो वो पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है अपने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तीसरी बात है द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिंपल होता है, टोटल रिसीट्स फिस टोटल एक्सपेंडिचर्स। सो जो भी अपना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ है, एक डोमेस्टिक इकोनॉमी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन होती है। वो सिंपल है, वो चीज़ें एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करती हैं। अब चौथा है एडजस्टमेंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। सपोज एक बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आ जाता है, सरप्लस आ जाता है, जिसे अपन कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस इक्विलिब्रिया। तो अगर कोई एडजस्टमेंट करना हो बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉनिटरी टूल्स। सो जो एडजस्टमेंट हियर कीवर्ड है,
उसमें मॉनेटरी टूल्स इंपॉर्टेंट है. मॉनेटरी टूल्स में सबसे पहले होता है जब आरबीआई है, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है, वो सारी चीज़ें जो इंटरेस्ट रेट है, एक्सचेंज रेट है, वो सारी चीज़ें कंट्रोल करता है. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी, अगर अपने पास एक्सचेंज रेट स्टेबल नहीं है, तो इसका मतलब कभी डेफिसिट होगा, कभी सरप्लस होगा. तो इसीलिए इस चीज़ को एडजस्टमेंट करने के लिए मॉनेटरी टूल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. अब ये सारे चार जो डायमेंशन है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के जो इससे डील करते हैं, उसके बाद अगर अपन बात की जाए तो थ्योरीज आती हैं. सो थ्योरीज में मैं आपको एक टाइमलाइन बता देता हूँ, उस टाइमलाइन को जानने के बाद आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी. जैसे कि कैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स डेवलप हुआ. सबसे पहले आए मर्केंटलिज्म. सो मर्केंटलिज्म जो थॉट था वो 16th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के टाइम क्या है. सो मर्केंटलिज्म से जैसे अपन अगर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की शुरुआत जैसे कह सकते हैं, वो है मर्केंटलिज्म. उसके बाद अगर कोई बात आती है तो वो एडम स्मिथ है. 1776 में इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस. सो एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक का पूरा नाम था. सो द वेल्थ ऑफ नेशंस थी, उन्होंने 1776 में पब्लिश करी थी. उसके बाद डेविड रिकार्डो 1870 द पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन. सो उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी 1817 में. उसके बाद अगर बात की जाए तो द ग्रेट डिप्रेशन आता है. द ग्रेट डिप्रेशन 1930s का है. 1930 में काफ़ी ज़्यादा मंदी का दौर आया था अमेरिका और वेस्टर्न इकोनॉमीज़ में. उसके बाद एलपीजी रिफॉर्म्स आए डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जैसे 1991 में कहा जाता है. और उसके बाद 2018. तो अपन को सिर्फ सिंपल सी चीज़ें सुननी है कि मर्केंटलिज्म थॉट के पीछे क्या आइडिया था और सारे थॉट्स कैसे डेवलप हुए. तो मर्केंटलिज्म का आइडिया सिंपल सा था कि उनको वेल्थ एक्यूमुलेट करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ इकट्ठी करनी है. और 16th सेंचुरी में वेल्थ थी मतलब बुलियन. बुलियन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था गोल्ड. तो अगर अपन एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे और इम्पोर्ट कम करेंगे तो अपने पास सरप्लस हो जाएगा. जब सरप्लस हो जाएगा तो इट मीन्स अपने पास ज़्यादा गोल्ड रहेंगे, क्योंकि उस टाइम जो ट्रेड होता था वो गोल्ड्स में होता था. अगर आप कोई गुड्स बेच रहे हैं तो उनको उसके बदले आपको गोल्ड मिलता था. तो जो भी मर्केंटलिज्म का थॉट था, जो किंग थे या जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की, वो सिर्फ यही चाहती थी कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ें और इम्पोर्ट्स को वो लोग रिस्ट्रिक्ट करते थे, जिससे कि वेल्थ उनके पास बहुत ज़्यादा आ जाए. बट एडम स्मिथ ने 1776 में एक जो किताब लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशन, उसमें क्लियर किया था और उसमें अटैक किया था मर्केंटलिज्म थॉट को कि ये जो थॉट है वो गलत है, दोनों कंट्री एक साथ गेन कर सकती हैं. तो एडम स्मिथ ने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज. सो एब्सोल्यूट एडवांटेज लॉ में सिंपल सी बात ये थी कि अगर दो कंट्री हैं, एक ने किसी चीज़ अदर चीज़ में स्पेशलाइज कर लिया और दूसरी ने किसी और चीज़ में, तो वो दोनों आपस में प्रोडक्शन बढ़ाएंगे और दोनों एक साथ गेन कर सकते हैं. अब तीसरी बात की जाए डेविड रिकार्डो की, तो डेविड रिकार्डो ने सिंपल सी बात कही थी कि अगर दोनों कंट्रीज़ में एब्सोल्यूट एडवांटेज किसी एक कंट्री को है तब भी वो ट्रेड पॉसिबिलिटी है, जो कि एडम स्मिथ ने साफ साफ कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता. तो डेविड रिकार्डो की जो थ्योरी थी उसमें था कि अगर कोई एक कंट्री को भी एब्सोल्यूट एडवांटेज है थे किसी भी कमोडिटी में, तो भी वो ट्रेड हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज. तीसरी बात फिर ग्रेट डिप्रेशन की आती है. ग्रेट डिप्रेशन 1930 में जो फ्री ट्रेड कोलैप्स हो गया था, उसके बाद गवर्नमेंट कंट्रोल बढ़ गया था, फिस्कल पॉलिसी हार्श हो गई थी. और उसमें बताया गया कि इतना ज़्यादा फ्री ट्रेड करने पे इकॉनमी डाइवर्ट हो सकती है अपने ट्रैक से. तो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया इकॉनमी को. और 1930s में जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ गया. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहले गवर्नमेंट का कंट्रोल था, फिर फ्री ट्रेड आया, फिर गवर्नमेंट का कंट्रोल आया, और फिर 1991 के बाद. तो 1930 से 1991 तक जो सिचुएशन थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की, उसमें ट्रेड फिर से इंक्रीज़ करने की कोशिश की, क्योंकि गैट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, दैट इज़ जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इन द ईयर 1947. उसके बाद जो 1991 तक आया उसमें इकॉनमी सारी ओपन होती गई, डीकोलोनाइजेशन का टाइम था, और 1991 तक ज़्यादातर इकॉनमी सारी ओपन इकॉनमी कहलाने लगी. बट 1991 से जब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ, जब कंट्रीज़ की इंटरडिपेंडेंस बढ़ती गई एक दूसरे पे, 1991 से 2018 तक, तो 2018 में अभी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट चल रहा है जो कि ट्रेड वॉर है चाइना और अमेरिका के बीच में.
सो इसमें सिंपल सी चीज़ ये है कि 2018 में फिर से अपन इकोनॉमिक नेशनलाइजेशन की बात करने लगे हैं, फिर से अपन रिस्ट्रिक्शन लगाने लग गए हैं, क्योंकि पहले जो फ्री मूवमेंट था गुड्स एंड सर्विसेज का, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मूवमेंट, लेबर का मूवमेंट, तो इमिग्रेशन पे रिस्ट्रिक्शन है नाउ. इकोनॉमिक पॉलिसी इज कंसिडर एज अ नेशनलिस्ट पॉलिसी, इट इज़ अ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ इलेक्शंस एट्सेट्रा. सो 2018 में फिर से वही चीज़ें सारी शुरू हो गई कि प्रोटेक्शन होना चाहिए, गवर्नमेंट कंट्रोल होना चाहिए, नेशनलाइजेशन होना चाहिए चीज़ों का, ये सारी चीज़ें. तो एक ड्रॉ आप टाइमलाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इससे आपको इस सब्जेक्ट डिसिप्लिन की और अच्छे से समझ बढ़ जाएगी. ये सीसॉ राइट थी पूरी, यहाँ से गवर्नमेंट कंट्रोल, देन फ्री ट्रेड, फिर अगेन गवर्नमेंट कंट्रोल, देन फ्री ट्रेड, देन अगेन गवर्नमेंट कंट्रोल. तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सिंपल, ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल करने की कोशिश की है. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और अगर कोई डाउट है आपको तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा. अगर आप इस पर कुछ थ्योरेटिकल मैटर चाहते हैं, कुछ टेक्स्ट चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, जो ईमेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन.